स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर सर्कल्स। टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई। यहां पर ए बी कॉर्ड और सी डी कॉर्ड दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल, दे आर इंटरसेक्टिंग आउटसाइड द सर्कल एट पॉइंट ई। और आपको यहां पर दिया हुआ ए बी 11 सेंटीमीटर, बी ई 3 सेंटीमीटर, डी ई 3.5 और सी डी हमें फाइंड करना है। ये 11 है, यहां पर 3 दिया हुआ है और ये 3.5 दिया हुआ है। सी डी को हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको समझने से पहले सबसे पहले कॉन्ग्रेंट और सिमिलर टर्म्स आपको समझ में आनी चाहिए। कॉन्ग्रेंट आपने पढ़ा हुआ आपके सिलेबस में है, जैसे दो स्केल रूलर कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट मीन्स एग्जैक्टली सेम डायमेंशन, जैसे ये रेक्टेंगुलर शेप है तो लेंथ और ब्रेथ इनके एग्जैक्टली सेम है तो ये कॉन्ग्रेंट है। जैसे आपने ट्राइंगल्स में पढ़ा है ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट। ऐसे ही मैंने दो शार्पनर लिए, ये भी अप्रॉक्सीमेटली कॉन्ग्रेंट है, बिल्कुल सेम इनके डायमेंशन है, ये कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक है। कॉन्ग्रेंट तो आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर सिमिलर का कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स का, जो आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसको समझाना पड़ेगा। जैसे ये मेरे पास दो पेंसिल है नटराज की, ये सिमिलर है, कॉन्ग्रेंट नहीं है, सिमिलर है। समझ में आया डिफरेंस? कॉन्ग्रेंट मतलब ओवरलैप करें, उनका सब कुछ सेम हो, डायमेंशन सेम हो तो कॉन्ग्रेंट, और सिमिलर में एक बड़ा एक छोटा। साइड्स प्रोपोर्शनल, यहाँ पर रेडियस प्रोपोर्शनल और लेंथ प्रोपोर्शनल, ठीक है, रेडियस और लेंथ प्रोपोर्शनल। तो जब ट्राइंगल सिमिलर की बात करेंगे तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी और एंगल्स इक्वल होंगे। ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे? जब ऑल एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो यहां पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, जॉइन ए सी, जॉइन बी डी, और मैं यहां पर कुछ नेम दे रही हूं एंगल्स के, एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री, इधर एंगल फोर, देन एंगल फाइव और एंगल सिक्स, ठीक है। अब देखो ए बी डी सी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक है मींस इसमें अपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा, दैट मींस एंगल टू प्लस एंगल सिक्स 180, राइट। सिंस लिख लेते हैं, सिंस ए बी डी सी इज अ ऑर्डर, यहां पर है ए बी डी सी, ए बी डी सी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सो एंगल टू प्लस एंगल सिक्स इज हाउ मच 180, ऑल्सो एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स इज 180, रीजन लीनियर पेयर। फिगर में देखिए एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स, ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों से हमें क्या मिला फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेकिन ये प्रूफ कराना जरूरी है, नहीं तो समझ नहीं आएगा। एंगल वन, एंगल फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू क्या मिला, ये साइड और ये साइड इक्वल है क्योंकि दोनों की राइट साइड इक्वल है। एंगल टू प्लस एंगल सिक्स इज एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स, एंगल सिक्स कैंसिल, सो एंगल टू इक्वल टू एंगल फाइव। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिल गया जो हम आगे यूज करेंगे, एंगल टू इक्वल टू एंगल फाइव। ध्यान से देखो, ये वाला एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। सेम ऐसे ही एक और हम करते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही, यहां पर थोड़ा सा चेंजेस करते हुए मैं कर दूं। एंगल वन प्लस एंगल थ्री कितना होगा 180, क्योंकि ये साइक्लिक है, ठीक है, ए बी सी डी साइक्लिक है। तो सिमिलरली एंगल वन प्लस एंगल थ्री 180 होगा, एंगल वन प्लस एंगल थ्री 180, और एंगल थ्री प्लस एंगल फोर या एंगल फोर प्लस एंगल थ्री 180 होगा, लीनियर पेयर इक्वेशन थ्री और इक्वेशन फोर। इन दोनों से क्या मिला फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड इक्वेशन फोर, दोनों की राइट साइड सेम है तो दोनों की लेफ्ट साइड सेम होगी, एंगल वन प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर प्लस एंगल थ्री, दैट मीन्स एंगल वन इक्वल टू एंगल फोर। और ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिल गया यहां पर, एंगल वन इक्वल टू एंगल फोर, दिस एंगल, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फोर। इसको मैं यूज करने वाली हूँ ट्राइंगल्स मिलर करने के लिए, ठीक है। अब देखिए दो ट्राइंगल्स हमें यहां पर दिख रहे हैं बिल्कुल क्लियरली, तो मैं पहले ए बी ए ई सी नेम दे रही हूँ या ए सी ई कुछ भी ले सकते हैं, ए सी ई, इन ट्राइंगल ए सी ई एंड दूसरा मैं ट्राइंगल लिखने वाली हूँ। अब उसका नेम मैं कैसे लिखूंगी, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए। ए सी ई, ए सी ई, तो ये हो गया बड़ा वाला ट्राइंगल। एक छोटा ट्राइंगल ये हमारे पास है बी डी ई, लेकिन बी डी ई नेम नहीं देंगे हम, नेम कैसे देंगे एंगल्स के अकॉर्डिंगली। हमारे पास जो जो दूसरा ट्राइंगल है वो क्या है बी डी ई। अब यहाँ पर ऑर्डर क्या आएगा, पहले लेटर लिखा है ए, ए सी ई ट्राइंगल में जो वर्टेक्स है वो ए सी ई,
हम बोलेंगे लेटर ए के करस्पॉन्डिंगली कौन सा एंगल है इस छोटे वाले ट्राइंगल में, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एंगल फोर मतलब एंगल डी, मतलब यहाँ पर पहले ए लिखा है तो यहाँ डी लिखना है, इसके बाद सी पे आओ, यहाँ पर सी मतलब एंगल टू, यहाँ एंगल टू है इसके करस्पॉन्डिंग इधर कौन सा एंगल है एंगल बी फाइव एंगल बी, ठीक है, और ई तो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो ये हमने नेम लिख दिया इन ट्राइंगल दिस एंड दिस, क्या क्या इक्वल है, एंगल वन इक्वल टू एंगल फोर, एंगल वन इक्वल टू एंगल फोर प्रूव्ड अबव, और एंगल टू इक्वल टू एंगल फाइव, एंगल टू इक्वल टू एंगल फाइव, दोनों हमने यहां पर ये प्रूव हमने कर दिए हैं, एंगल टू इक्वल टू एंगल फाइव और एंगल वन इक्वल टू एंगल फोर प्रूव्ड अबव। तो यहां पर ट्राइंगल सिमिलर हो गए, आगे लिख रही हूं मैं यहां पर, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई सॉरी ए सी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी बी ई, सिमिलर का साइन ऐसा होता है कॉन्ग्रेंसी में, आप नीचे दो लाइन बना देते हैं इक्वल दिखाने के लिए कि वो सब कुछ इक्वल है उनका, ओवरलैप करते हैं, ठीक है, यहां पर सिर्फ सिमिलर, तो ट्राइंगल सिमिलर हो गया बाय ए ए सिमिलैरिटी। इसके बाद मुझे बोर्ड इरेज करना होगा, चलिए मैंने फिर से लिखा है ट्राइंगल सिमिलर, क्योंकि जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, अच्छा एक बात सुनिए, जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं तो सारी साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं, सिमिलर में क्या होता है जब ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स इक्वल नहीं होंगी, प्रोपोर्शनल होंगे, प्रोपोर्शनल क्या मतलब उनका रेशियो सेम होगा। तो अब हम वो बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, यहां से फर्स्ट टू लेटर ले लो और यहाँ के फर्स्ट टू लेटर ले लो, ए सी अपॉन डी बी मतलब ए सी साइड अपॉन डी बी साइड इक्वल टू, अब इसके लास्ट के दो लेटर लो, इसके लास्ट के दो लेटर लो, सीई अपॉन बीई, और क्या बच गया इसकी, और कौन सी साइड बच गई, बच गई ये वाली ए ई और डी ई, फर्स्ट और थर्ड लेटर ले लिया, ठीक है, तो इससे हमारी साइड्स बन गई, तो ये सारी साइड्स प्रोपोर्शनल है मतलब इनका रेशियो सेम आएगा, जैसे वन अपॉन टू या टू अपॉन थ्री सबका, या थ्री अपॉन फोर कुछ भी रेशियो सेम आएगा, ठीक है। अब हम यहां से बस वैल्यूज हमें पुट करनी है और हमारा रिजल्ट आ जाएगा, इसमें ए सी और डी बी का कोई काम नहीं है, ए सी और डी बी का कोई काम नहीं है क्योंकि वो हमें दिया हुआ नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, इस पार्ट को छोड़ देते हैं, हम इस पे फोकस करेंगे। सी ई, सी ई कितना है, एक्स प्लस 3.5, यहां से यहां तक एक्स, यहां से यहां तक 3.5, तो सी ई कितना हो गया, सी ई इन प्लेस ऑफ सी ई आई विल राइट एक्स प्लस 3.5, बी ई इज हाउ मच 3 इज इक्वल टू ए ई, ए ई इज 11 प्लस 3 14 अपॉन डी ई इज 3.5, बस सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा, x प्लस 3.5 इज इक्वल टू, इसको डेसिमल हटा दें, ठीक है, कैंसिल करते हैं, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, ठीक है, 5 4 जा 20, तो यहां पर आ गए x अपॉन 3, x प्लस 3.5 अपॉन 3 इक्वल टू 4, अब 3 को इधर ले जाओगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 3.5 इक्वल टू 4 इंटू 3 दैट इज 12, सो x इक्वल टू 12 माइनस 3.5 कितना आ गया 8.5, दिस इज योर आंसर।